हाय फ्रेंड्स, मैं रवि बागड़ी पैसिफिक गोल्फ स्टेट से गोल्फ कोच। एंड आज आपसे हम बात करेंगे थोड़ा चिपिंग के बारे में, क्योंकि मैक्सिमम जो होता है कि लाइक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है चिपिंग, बैंड पटिंग। शॉर्ट गेम जितना अच्छा रहेगा आपका गेम में स्कोर माइनस खेलने के लिए उतना ही बेस्ट रहेंगे। तो ये जो चिपिंग की आज मैं ड्रिल बता दूँ, ये मेरी खुद की है और जो मैं खुद पर्सनल यूज़ करता हूँ उस ड्रिल को, तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप उसको ज़रूर उस चीज़ पे प्रैक्टिस करें एंड वो आपको 100% हमेशा काम देगी और बहुत हेल्पफुल वो है। तो लाइक मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप आइए, जैसे कि लाइक आपकी बॉल जैसे ग्रीन के पैच से बाहर पड़ी है, ठीक है। एग्जांपल जैसे आपकी बॉल इस साइड पे पड़ी है, तो आपने क्या देखना है, मेन है कि लोग सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि आप मसल पावर यूज़ करते हैं, ठीक है। मसल पावर मतलब हो गया कि आप अपने लाइन पे आए और आपने बॉल को ऐसे मारा, ठीक है। तो ये एक किस्म पे आप बॉल पे पावर लगा रहे हो, अपने मसल पावर को यूज़ कर रहे हो, जो कि हमेशा गलत रहेगा। क्योंकि क्या होता है, शॉर्ट गेम में इंपॉर्टेंट चीज़ पे ध्यान दीजिए, शॉर्ट गेम जब भी हम खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब कॉमन सी चीज़ है कि कंट्रोल जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे, लोग क्या करते हैं, आयरन को उठाते हैं और यहाँ ला के स्टॉप करते हैं लाइक दिस, कि आप जैसे ये कर रहे हैं और इसको स्टॉप कर रहे हैं, यहाँ से ला रहे हैं स्टॉप कर रहे हैं। बट क्या होता है कि जो हमारे मसल पावर का जो इम्पैक्ट होता है वो आयरन पे आता है और आयरन से वो बॉल पे सेम टू सेम आता है। तो मैक्सिमम आप सिंपल सा एक बहुत ही चीज़ को एक बार प्रैक्टिस करके देखें और आपको 100% उसमें रिजल्ट मिलेगा कि आपका मूवमेंट क्या होना चाहिए। जैसे आप खड़े हुए तो आप छोटा उठाएं और उसको छोड़ दें, बस रिलैक्स करके सिर्फ उसको छोड़ें। आयरन को आपने रिलीज़ करना है, आपने मसल पावर नहीं लगानी। यदि आप मसल पावर लगाएंगे तो बॉल हो सकता है कि बॉल आपकी आगे चली जाए जब वहीं स्टॉप हो जाए, यदि इम्पैक्ट सही नहीं आएगा। तो कोशिश करेंगे 100% अपना किस तरीके से उसको ले जाए कि लाइक आपने यहाँ से रिलैक्स रखा और आपने उसको छोड़े, रिलीज़ करें। मतलब प्रैक्टिस आप इसको ऐसे भी कर सकते हो इस तरीके से कि आपकी कोई पावर नहीं हो रही है और आप उसको मूव कर रहे हो बस, तो आपको लगेगा कि जैसे आपने बिल्कुल रिलैक्स हुए, 100% वेट को ट्रांसफ़र किया और धीरे से उठाया और अपना छोड़ दिया। अब देखिए बॉल का स्टॉप हो जाएगी वहाँ तक पिन पे आपकी, ठीक है। तो ये सी आप ध्यान से देखिए कि पास थोड़ा सा आ जाए कि बॉल, जैसे बॉल को प्लेस किया एंड आपने प्रैक्टिस कैसे करी, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दें इस तरीके से और टेक अ डीप ब्रेथ एंड ईजी एंड स्लो उसको छोड़ें बस। आपने मसल पावर नहीं लगाया, आपने अपना शोल्डर मूव करी है लाइक दिस, 1 2 1 2, दैट्स इट। इसके बाद अपना थोड़ा प्लानिंग एंड इजी एंड रिलीज कर दें तो आपकी बॉल पॉइंट टू पॉइंट पहुंच जाएगी वहां तक, ठीक है। तो मैक्सिमम इस तरीके से आप ड्रिल करेंगे तो आपको पक्का फायदा होगा। मेन इसमें मेरा समझाने का सिर्फ यही वो था मोटिव कि आप अपने मसल पावर में देखें, जब आप प्रैक्टिस करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आप देखें कि आप मसल पावर यूज़ कर रहे हैं या अपने हाथ को रिलीज़ कर रहे हैं। मसल पावर ऐसे करके मारने की कोशिश ना करें, आप हमेशा उसको रिलैक्स ला के छोड़ दें आयरन को। आपको दो तीन, यदि आप 10 बॉल्स भी मारते हैं तो आपको छोड़ने पे और आपकी खुद की जो पावर यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ों में दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा, क्योंकि पावर वाली बॉल हमेशा आपकी चली जाएगी आगे और जिसे आप छोड़ोगे तो वो आपकी बॉल हमेशा रुकेगी। तो ये ड्रिल करें, ये फ़ायदा देगी आपको, तो आप इस पर ड्रिल करें, मैं तो यही चाहता हूँ। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें एंड ऐसी वीडियो के लिए बेल आइकन भी दबा दें, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।